बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नायला भट्टी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। खबर शामिल करते हैं चिनियोट से प्याज हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से अज़ीमुल शान खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। खत्मे नबूवत पर जान भी कुर्बान क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, दीगर जमातों के कायदीन का बयान। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम हॉकी स्टेडियम में होने वाली अज़ीमुल शान खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में दीगर जमातों के कायदीन की खसूसी शिरकत, जिनमें मौलाना हाफिज अब्दुल रऊफ, प्रोफेसर हाफिज सलाह सईद चौधरी, मोहसिन बशीर गुजर, मौलाना उमर फारूक, अंजुम खालिद मौसूद सिंधु, मौलाना मंजूर कारी याकूब, शेख चौधरी इमरान जट और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और ये हमारा ईमान है कि किसी फितने को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जान तो दे सकते हैं लेकिन अपने आका की शान में किसी फितने की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि हम दावत देते हैं इन शरपसंद अनासिर को कि वो खत्मे नबूवत पर ईमान लाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करें। बगल में बाफना ग्राउंड में असरे हाजर का अल्लामा तारीख 7 कॉन्फ्रेंस जारी है। इस सदी में किसी ने अगर किसी माँ ने कोई अल्लामा पैदा किया है तो वो सिर्फ एक ही था जिसका नाम अल्लामा और खान रही है। और अल्लाह के बल से आज हमें सोचना है कि ये खत्मे नबूवत पे क्यों डाका डाला जा रहा है, आज हमारा क्या कसूर है। और मोहतरम भाइयों, आप लोग हैं जो अपने वोट से उन हुक्मरानों को पार्लियामेंट में पहुंचाते हो जो खत्मे नबूवत पे डाका डालते हैं। आज आपके जहनों में बंदा अपने इस मुल्क की सियासत नहीं। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहे 24/7 न्यूज वर्ल्ड, मुस्तनद खबरों की दुनिया।